अगर आपने अभी तक निर्जा की रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, निर्जा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लाई हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ये पापड़ जो होते हैं, लिज्जत पापड़ है, ये हमने लिया है पंजाबी मसाला पापड़ लिया हुआ है। इससे हम आपको सैंडविच बनाना सिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने पापड़ लिए हुए हैं और इससे हम आपको सैंडविच जो है बनाना सिखाएंगे। तो ये देखिए, पापड़ से हम सैंडविच कैसे बनाते हैं, इसके लिए किन किन सामग्री की जरूरत होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, हमने कुछ दो प्याज काटे हुए हैं बारीक, और ये अदरक लिया हुआ है, और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च काटी है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और हमने दो बॉइल्ड आलू लिए हैं, इसको मैश कर लिया है। एक टमाटर हमने काटा हुआ है, इसको चॉप कर लिया है। ये हमने लिया हुआ है, आजकल का सीजन है भुट्टे, तो भुट्टे को हमने, जो कच्चे भुट्टे मिल रहे हैं मार्केट में, उनको हमने ले लिया है और उसको बॉइल करके मिक्सी में पीस लिया है। और हमने थोड़ा सा पनीर लिया हुआ है और इसको भी हमने ग्रेट कर लिया है। और देखिए, हम इसमें किन किन मसालों की जरूरत पड़ती है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो हमने मसाले पड़ेंगे, ये हमने काली मिर्च लिया हुआ है, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, नमक इच्छा अनुसार, चाट मसाला लिया हुआ है, गरम मसाला लिया है और लाल मिर्च। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको किस तरह से इसका बैटर तैयार करते हैं। तो बैटर तैयार करने के लिए देखिए, हमने एक बाउल लिया हुआ है, ये बाउल लिया हुआ है, और इसमें हम प्याज मिक्स करते हैं। और ये हमने अदरक डाला, हरी मिर्च डाल दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने आलू लिया है, इसको भी ले, इसमें डाल मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। ये हमने पनीर लिया है, इसको भी मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें टमाटर मिक्स कर देंगे। अब जो मैंने मक्के के जो हमने इसको पीस के रखा है, इसको भी मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ा सा अलग फ्लेवर आएगा, इसलिए हमने इसको इसमें डाला है। तो आपके ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालिए, पनीर भी ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालिए, नहीं तो आप आलू टमाटर प्याज हरी मिर्च अदरक भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, गरम मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये थोड़ी सी काली मिर्च, और नमक हम इच्छा अनुसार डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब हम गैस के पास चलते हैं। तवा देखिए हमारा गर्म हो गया है और अब हम क्या करेंगे, जो हमने पापड़ जो है इसमें पापड़ डालेंगे, ये लिज्जत पापड़ है, इसको तवे के ऊपर डालेंगे
और इस तरह से देखिए, ये हमने पापड़ तवे के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें इसकी इसकी फिलिंग करेंगे, पापड़ के ऊपर हम इसकी फिलिंग करेंगे, जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसकी फिलिंग करेंगे। आराम से हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें फिलिंग करेंगे। इसको ऐसा फीलिंग करेंगे जिससे कि ये बाहर ना निकले। आंच को स्लो रखेंगे। अब हमारा एक देखिए फीलिंग कर लिया है हमने, अब हम दूसरे पे भी फीलिंग करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज भी डाल सकते हैं ऊपर से, तो ये पिज्जा लुक भी देगा। ये देखिए, आराम से इसको करेंगे। ये देखिए पूरा हमारा ये दो दो हमने अपने टोस्ट तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसको नीचे की सतह इसकी अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे। जब ये हल्का गुलाबी रंग का हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें ऑयलिंग कर देते हैं, हल्का सा ऑयल, मतलब आप मक्खन भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें देशी घी ऊपर से लगाया हुआ है। अच्छे से इसको अब इसको धीरे धीरे पलटेंगे। ये देखिए, इसको स्लो आंच में ही हम इसको पकाएंगे। अब देखिए, हम इसको धीरे धीरे पलट देते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। इसको भी इसी तरह से पलट देते हैं। अब ये देखिए, हमारे दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं। अब चाहें तो आप इसको पीसेस में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको काट भी सकते हैं। और इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे। इसको भी फोल्ड कर लेंगे और इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से इसको भी हम काट लेंगे, फिर इसको भी फोल्ड कर लेते हैं।
इसी तरह से ये सारे हम फोल्ड करके बना लेते हैं। इसको भी सर्विस प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको भी आंच लो रखेंगे और इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो है बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और इसका फ्लेवर जो है आप बच्चों को बहुत ही भाता है, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा बना आपका ये पापड़ टोस्ट, पापड़ सैंडविच कैसा बना। ये देखिए इसी तरह से हमारे सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए हमारे पापड़ सैंडविच जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं ये, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगे हैं, बने हुए हैं। तो आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।